Hello students, in this lecture we will discuss about the symbol table. Before understanding the symbol table, it is expected that you have already gone through the lexical analysis phase, semantic analysis phase, syntax analysis phase, intermediate code generation and all those things. Because this symbol table is a very important data structure which has a role to play with every part of the compilers, and to begin. See, whenever we do the lexical analysis, then we come across the various type of the informations. For example, हमें variables मिलेंगे, हमें उन variables को हम identifier कह सकते हैं. इसी तरह से function के name मिलेंगे, function के name को भी हम identifier ही कहेंगे, क्योंकि वो same naming conventions use करते हैं जो कि variable use करता है. इसी तरह से हमें objects मिल सकते हैं, classes मिल सकते हैं, और डिफरेंट हमें कांस्टेंट्स मिलेंगे, ठीक है, तो ऑपरेटर सिंबल्स मिलेंगे, तो इस कीवर्ड्स मिलेंगे. इस तरह की सारी इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना एंड देन उसकी एंट्रीज सिंबल टेबल में करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ हमने यूज़ की है, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमने यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में, उनको लेक्सिकल एनालिसिस फेज में आइडेंटिफाई करने के बाद फर्दर फेजेस में हम उनको यूज़ करेंगे. तो ये जो सिंबल टेबल है, बेसिकली लेक्सिकल एनालिसिस फेज जब हमारा शुरू होता है, देन उस समय सिंबल टेबल बनाते हैं, और जब सिंटैक्स एनालिसिस फेज होता है, तो हम उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एक वेरिएबल आइडेंटिफाई किया कि एक्स एक वेरिएबल है, तो एक्स की एंट्री हम सिंबल टेबल में कर देंगे, और जब सिंटैक्स एनालिसिस करेंगे तो हम उस वेरिएबल से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि ये इंटीजर वेरिएबल है और इसकी अभी करेंटली डाटा वैल्यू ये है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वेरियस फेजेस का क्या रोल है सिंबल टेबल में, हम ये जानने की कोशिश करते हैं. तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे नई टेबल हमारी बनेगी और इसमें हम एंट्रीज रख देंगे. फॉर एग्जांपल, हम इसमें टोकन्स रख देंगे जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं लेक्सिकल एनालिसिस फेज के कॉरेस्पॉन्डिंग. इन टोकन्स के बारे में भी हम लोगों ने कई बार देखा है कि इवन इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि टोकन्स का मतलब ये है कि हम जो भी वेरिएबल्स डिफाइन हमने किया है या फंक्शन का नेम डिफाइन किया है, ये सभी टोकन्स हैं हमारे लिए. सिंटैक्स एनालिसिस फेज में जो जो भी हमने वैल्यूज ऐड किया है लेक्सिकल एनालिसिस फेज में सिंबल टेबल में, जो भी एंट्रीज हमने किया है सिंबल टेबल में लेक्सिकल एनालिसिस फेज में, उनसे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन हम सिंटैक्स एनालिसिस फेज में डाल देते हैं. तो अगर आप देखिए कि इसमें क्या लिखा गया है स्लाइड में, कि एड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एट्रीब्यूट टाइप, स्कोप, डायमेंशन, लाइन ऑफ रेफरेंस, यूज एक्सेट्रा इन द सिंबल टेबल. तो जो भी हमने डाटा वैल्यूज डाली हैं लेक्सिकल एनालिसिस फेज में आइडेंटिफाई करके, उनसे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन को, एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन को, स्कोप, उनके डायमेंशंस, किस लाइन में उसका रेफरेंस हुआ है, उसका यूज़ क्या है, यूज़ कहाँ कहाँ है, इन सब चीज़ों को हम सिंटैक्स एनालिसिस फेज में ऐड कर देते हैं सिंबल टेबल में. सिमेंटिक एनालिसिस फेज में जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऐड किया है लेक्सिकल और सिंटैक्स एनालिसिस फेज में, उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो भी डाटा वैल्यूज डाली गई हैं उनकी मीनिंग सही है कि नहीं, और क्या वो मीनिंग सिग्निफाई करते हैं. तो यू मे जस्ट सी दैट दिस सिमेंटिक एनालिसिस फेज यूजेस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द टेबल टू चेक फॉर सिमेंटिक्स, दैट इज टू वेरीफाई दैट एक्सप्रेशंस एंड असाइनमेंट्स आर सिमेंटिकली करेक्ट. इसमें टाइप चेकिंग हम कर सकते हैं एंड अपडेट द टेबल अकॉर्डिंगली. फाइन. इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम फिर से सिंबल टेबल को रेफर करेंगे, और मेजरली हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को हम स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें टेम्प्रेरी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कर रहे हैं, तो टेम्प्रेरी वेरिएबल्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, उन टेम्प्रेरी वेरिएबल्स की भी एंट्री हम इसी सिंबल टेबल में कर देंगे. नाउ कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में, बेसिकली इसमें मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशंस जो होते हैं, उसमें हमें सिंबल टेबल हेल्प करेगा. जो भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर किया है अप टू द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, वो इंफॉर्मेशन हमारी यूज हो जाएगी मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए.
टारगेट कोड जनरेशन में ऑब्वियसली बात है कि अगर हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लिया है तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद हमारा बेसिक काम यही होगा कि उन्हीं कोड्स को असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने का काम होगा। तो इसके लिए निश्चित रूप से हमें सिंबल टेबल की ही जरूरत पड़ेगी कि हमें सारी इंफॉर्मेशन जो हमारा कोड है उससे रिलेटेड सिंबल टेबल में स्टोर्ड है। नो सिंबल टेबल में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं आप देख सकते हैं, आइटम्स क्या क्या हम स्टोर करते हैं सिंबल टेबल में। वेरिएबल नेम एंड कॉन्स्टेंट्स, प्रोसीजर एंड फंक्शन का नेम, कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग्स, कंपाइलर जनरेटेड टेम्पररीज, टेम्पररी वेरिएबल्स जो भी हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज में बन रहा है उन सभी को स्टोर करने के लिए, एंड लेबल्स इन द सोर्स लैंग्वेज, जो भी हमारा कोड होता है उस कोड में हमने जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है उसको जब हम 3 एडियस कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें लेबल्स असाइन करते हैं, तो उन लेबल्स की भी इन्फॉर्मेशन हम सिंबल टेबल में कर देते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन यूज बाय द कंपाइलर फ्रॉम द सिंबल टेबल, जब कंपाइलेशन प्रोसेस हो रहा होगा तो कंपाइलेशन प्रोसेस हो रहा होगा तब हम क्या इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करेंगे, तो डाटा टाइप एंड नेम, डिक्लेयरिंग प्रोसीजर्स, ऑफसेट इन स्टोरेज। ऑफसेट इन स्टोरेज का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि हमने एक एरे यूज़ किया है और उस एरे में एक 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 पर्टिकुलर आईथ वैल्यू को हम एक्सेस करने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वो बेस बेस एड्रेस में एक ऑफसेट को ऐड करने की बात है, आई ऑफसेट ऐड करने की बात है। सिमिलरली हम बेस एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं या बेस एड्रेस को स्टोर करके कंपाइलर कंपाइलेशन प्रोसेस जब कर रहा होगा तो वो सिंबल टेबल से बेस एड्रेस फेच कर लेगा। ठीक है, इफ स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड, अगर हमारा स्ट्रक्चर है या रिकॉर्ड है तो पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर टेबल, स्ट्रक्चर टेबल जो हमने बनाई है उसकी पॉइंटर टू द टेबल। स्ट्रक्चर टेबल कुछ नहीं है बल्कि एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ चीज़ है। अगर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है तो वो एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। अगर आप एक टेबल बनाना चाहते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि एक उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट की टेबल एक बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी फीस कितनी जमा है, उसका परसेंटेज ऑफ स्कोर कितना था लास्ट सेमेस्टर में, तो आप क्या करेंगे कि इनके लिए एक स्ट्रक्चर बना देंगे। लेकिन ये तो पर्टिकुलरली इससे आप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो एक ही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। अगर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना लेंगे और उस एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो एक टेबल बन रहा है तो वो एक स्टैटिक टेबल बनेगी। अगर वो स्टैटिक टेबल बनेगी तो उसका एक बेस एड्रेस होगा। तो अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया है तो उसमें हर एक रो में जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया है तो हर एक रो में जो आप एंट्री कर रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड कहेंगे और उस टेबल का एक बेस एड्रेस होगा, उसको भी आप टेबल में स्टोर करेंगे और उसको आप फाइनली यूज करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान। फंक्शन पैरामीटर्स का ये मतलब है कि जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन किया है अपने अपने प्रोग्राम में तो आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है या कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। तो ये भी हम कंपाइलर माने कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान सिंबल टेबल से ये इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स पास हुए हैं और कितने पैरामीटर्स पास हुए हैं हमारे फंक्शन में, हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे सिंबल टेबल से। बेस एड्रेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हम एक एरे यूज़ कर रहे हैं या एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में वो जो भी एरे हमारा यूज़ हो रहा है उसका एक बेस एड्रेस होगा पर्टिकुलरली, जो कि मेमोरी में असाइन होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें कंपाइलर को सिंबल टेबल से मिलेगी। नाउ ये कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं हमारे सिंबल टेबल पे, पहला है एलोकेट। तो एक नया अगर हम सिंबल टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एलोकेट फंक्शन या एलोकेट ऑपरेशन को हम कॉल करेंगे। फ्री का मतलब है कि जो भी हमने सिंबल टेबल बनाया है उस सिंबल टेबल की सारी एंट्री को रिमूव कर देना, ये फ्री करना हो गया। लुकअप का मतलब हो गया कि कौन सी एंट्री, अगर हमने एंट्रीज ऑलरेडी सेव कर दिया है, एंट्री ऑलरेडी मेंटेन कर लिया है सिंबल टेबल में तो किसी भी एंट्री की हमें ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लेक्सिकल एनालिसिस स्पेस में एक वेरिएबल एक्स को स्टोर कर दिया अपने टेबल में सिंबल टेबल में तो इस एक्स की रिक्वायरमेंट हमें टाइम टू टाइम पड़ती रहेगी। तो जब जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब तक हम सिंबल टेबल्स को रेफर करके इसकी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर लेंगे और पता कर लेंगे कि ये इसका टाइप क्या है, इसकी करंट वैल्यू क्या है, कहाँ कहाँ ये रेफर हुआ है एंड सो ऑन सो फोर्थ। इंसर्ट का मतलब है कि अगर आपने अभी तक 10 एंट्रीज की है तो 11th एंट्री आप करना चाहते हैं तो इंसर्शन प्रोसेस, कोई भी नई अगर वैल्यू हमें मिलेगी तो हम उस नई वैल्यू को या नए डाटा डाटा को हम स्टोर कर देंगे सिंबल टेबल में।
सेट सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज में हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि कौन कौन से टोकन्स हैं। अब उन टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एट्रीब्यूट्स ऐड होंगे, उनका टाइप क्या है, उनका कहाँ पे रेफर हो रहा है, किस किस जगह पे, इन सभी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम हमारा सिंटैक्स एनालिसिस फेज में होगा। तो सिंटैक्स एनालिसिस सेट एट्रीब्यूट होगा। गेट एट्रीब्यूट जब भी आप आगे के फेजेस में जाएंगे तो गेट एट्रीब्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिमेंटिक एनालिसिस फेस कर रहे हैं, मीनिंग जानना चाहते हैं कि जो सेंटेंस लिखा है उसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स आपने स्टोर किए हैं या फिर जो आपने डाटा स्टोर किया है सिंबल टेबल में, उनका एट्रीब्यूट करंटली क्या है। फाइन, गेट एट्रीब्यूट का मतलब हो गया टू गेट एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द गिवन एंट्री। नाउ अगर हमें सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करना है, तो सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के बेसिकली चार तरीके हैं। एक लिंक लिस्ट है, एक लिस्ट है, बाइनरी सर्च ट्री और हैश टेबल। तो अगर हम एक एक करके इसमें से देखें कि लिस्ट क्या है, तो लिस्ट एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सी, लिस्ट का मतलब सिंपली एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, जो भी अभी 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 मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक सिंपल सी टेबल बनानी है तो आप क्या करेंगे, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, कि आप कोई एक टेबल बना लीजिए और वो टेबल, उसी टेबल को आप लिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके हम जाते हैं कि एन एरे इज यूज टू स्टोर नेम्स एंड एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना है उसके लिए आप एरे यूज करेंगे। एरे का मतलब ये है कि आप रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं या एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक टेबल की तरह से बिहेव करेगा। सो पॉइंटर अवेलेबल इज मेंटेन एट द एंड ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड एंड न्यू नेम्स आर एडेड इन द ऑर्डर एज दे अराइव। इसका मतलब है कि हमने अगर 100 एंट्रीज के लिए एक सिंबल टेबल बना दिया है और अभी हमने 50 एंट्रीज की हुई हैं, तो अवेलेबल एक पॉइंटर होगा जो कि 51st रिकॉर्ड पे हमारा पॉइंट कर रहा होगा। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसको उस 51st वाले अवेलेबल स्पेस में ऐड कर देंगे, और जिस ऑर्डर में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी उसी ऑर्डर में उसको वन बाई वन ऐड करते रहेंगे, सिक्वेंशली ऐड करते रहेंगे। टू सर्च फॉर अ नेम वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लिस्ट टिल अवेलेबल पॉइंटर एंड इफ नॉट फाउंड वी गेट एन एरर। तो अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है तो हम स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल ही लीनियर सर्च वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे, और उस लीनियर सर्च ऑफ मेथड के हिसाब से जहाँ पे भी हमें एंट्री मिल जाएगी हम उसका एड्रेस रिटर्न कर देंगे, और अगर हमें वैल्यू नहीं मिला तो एक एरर मैसेज आ जाएगा कि यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड नेम, मतलब कि एक ऐसा नेम को हम सर्च कर रहे हैं जिसको हमने अभी तक स्टोर ही नहीं किया है सिंबल टेबल में। वाइल इंसर्टिंग अ न्यू नेम वी मस्ट इंश्योर दैट इट इज़ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, अदरवाइज एरर ऑकर्स। इसका मतलब है कि हमने अगर एक एक्स वेरिएबल हमने डिफाइन किया और उसकी एंट्री हमने ऑलरेडी कर दिया है और हम दोबारा से उसकी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक एरर मैसेज आना चाहिए, मल्टीपल डिफाइंड नेम का मैसेज। ठीक है, तो एक एक बार ही एंट्री होगी किसी एक वेरिएबल की, दो बार एंट्री हम उसकी नहीं करेंगे, अनलेस कि वो उसका स्कोप डिफरेंट है। अगर वो सेम स्कोप में वही चीज़ दोबारा से डिफाइन हुई है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है कि जब हम इंसर्शन कर रहे हैं तो हमारे पास पता है कि हमें कहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स के लिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया, 50 तक ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो अवेलेबल पॉइंटर 51st पे ही होगा। तो हमें जब भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको हम 51st पे डाल देंगे तुरंत, विदाउट मेकिंग एनी कंपेरिजन हम वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम इंसर्शन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम सर्च कर रहे होंगे तो सर्च करते समय ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लगेगा, क्योंकि हम लीनियर सर्च कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हम लीनियर सर्च करते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑनवर्ड्स हम बढ़ते चले जाते हैं और सर्चिंग करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। एडवांटेज इसका यह है कि इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती है, इसलिए ये मिनिमम स्पेस लेता है। आगे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उसमें वेस्टेज ऑफ स्पेस होगा, या वेस्टेज ऑफ स्पेस नहीं होगा तो अभी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करनी होगी जो कि यहाँ पे हमें स्टोर नहीं करना लिस्ट में। नाउ लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, आपको पता है कि लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कि वैसे तो ये टेबल एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या था कि हमने एक एरे पहले से क्रिएट करके रखा था, हमने साइज पहले से फिक्स कर रखी थी, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तभी हम उसका ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, जब जरूरत नहीं है तो उसका ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका ब्लॉक बना लेंगे। और जब भी हमने एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया तो सेकंड इन्फॉर्मेशन को जब हम स्टोर करेंगे तो सेकंड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाला नेक्स्ट पॉइंटर सेकंड पे पॉइंट करेगा।
सो आप इस पॉइंट पॉइंट्स को देख लीजिए. द इम्प्लीमेंटेशन इज यूजिंग लिंक लिस्ट. अ लिंक फील्ड इज एडेड टू ईच रिकॉर्ड. सर्चिंग ऑफ नेम इज डन इन ऑर्डर पॉइंटेड बाई लिंक ऑफ लिंक फील्ड. इसका मतलब अगर हमें कोई किसी नेम को सर्च करना है तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से. यहाँ पे भी लीनियर सर्च का ही प्रोसेस है कि हमने फर्स्ट रिकॉर्ड पे गए, देन दूसरे पे गए, सेकंड पे गए, देन थर्ड पे गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह से हम सर्च करते रहेंगे. और अ पॉइंटर फर्स्ट इज मेंटेन. ऑब्वियसली बात है कि अगर हम एक लिंक्ड लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन है. तो फर्स्ट नेम का एक हमने पॉइंटर बना लिया जो कि फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, वो फर्स्ट रिकॉर्ड का एड्रेस रखेगा. इंसर्शन इज फास्ट, क्योंकि हम क्या करेंगे इंसर्शन के लिए कि लास्ट में इंसर्ट कर देंगे. अगर हमारे पास प्रीवियसली लास्ट में कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, लास्ट वाले नोड का एड्रेस अगर हमारे पास है, उसके बाद इंसर्ट करना बड़ा ही आसान है. ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, कॉन्स्टेंट टाइम में हम उसमें इंसर्ट कर लेंगे. लेकिन इसमें सर्च करना टफ होगा. सर्च करने में वंस अगेन यहाँ पे भी हम लीनियर सर्च प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे. तो लीनियर सर्च प्रोसेस अप्लाई करने के लिए हमें वन बाई वन फर्स्ट रिकॉर्ड, देन सेकेंड रिकॉर्ड, देन थर्ड रिकॉर्ड, एंड सो ऑन सो फोर्थ हमें जाना पड़ेगा. इसलिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा हमारा सर्च करने. नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल है. हैश टेबल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेटा स्ट्रक्चर है सिंबल टेबल के लिए. हैश टेबल के बारे में आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा. इनफैक्ट ये सभी डेटा स्ट्रक्चर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर में, जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें. सी हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि कॉन्स्टेंट टाइम में इंजर्शन भी हो जाता है और कॉन्स्टेंट टाइम में सर्च भी हो सकता है. तो कंपाइलर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंजर्शन प्रोसेस ईजी हो और सर्च प्रोसेस भी ईजी हो. इंजर्शन तुम कभी केवल एक बार करेंगे, लेकिन सर्च बार बार करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उस एक्स को हम लेट से 100 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक लूप चला रहे हैं और उस लूप में उस वेरिएबल एक्स को एज ए लूप काउंटर यूज़ कर रहे हैं और लूप 100 टाइम्स चल रहा है. तो 100 टाइम्स जो है हमें सिंबल टेबल को रेफर करना होगा. तो एक इन्फॉर्मेशन अगर हमने एक बार स्टोर कर दिया तो उसको बार बार हम जो है यूज़ करेंगे, यूज़ करते रहेंगे, और हर बार यूज़ के लिए हमें सिंबल टेबल को रेफर करना पड़ेगा. तो हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें कि सर्चिंग आसान हो. अभी तक हमने जो भी डेटा स्ट्रक्चर देखा, चाहे लिस्ट देखा चाहे लिंक लिस्ट देखा, ये दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम सर्चिंग के लिए ले रहे हैं. लेकिन हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि कॉन्स्टेंट टाइम में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर दे. तो उसके लिए हमारे पास हैश टेबल है. तो इसको हम हैश टेबल को फास्ट लुकअप टेबल भी कहते हैं. ठीक है, तो इनको पॉइंट बाई पॉइंट देख लेते हैं. हैश टेबल इन हैशिंग स्कीम टू टेबल्स आर मेंटेन. अगर हमने हैशिंग मेथड का यूज़ किया है सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो दो टेबल यूज होंगे. एक हैश टेबल होगा और एक सिंबल टेबल. ठीक है, दो टेबल हम की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हैश टेबल है वो क्या करेगा, केवल एड्रेस हमें प्रोवाइड कर देगा कि किस एड्रेस पे हमारा डाटा आइटम स्टोर है. तो दो बार में ये काम हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक्स को सर्च करना है तो पहले हम फाइंड करेंगे इस हैश टेबल में कि एक्स सिंबल टेबल में किस एड्रेस पर स्टोर है. ठीक है, एंड देन उसी एड्रेस पर जाके हम उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेंगे जो कि एक्स से रिलेटेड है. ठीक है, हैश टेबल इज एन एरे विद एन इंडेक्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to table size -1. ऑब्वियसली अगर 100 साइज की टेबल है, हैश टेबल है, तो 0 से 99 इसका इंडेक्सेज होंगे. दीज एंट्रीज आर पॉइंटर पॉइंटिंग टू नेम्स ऑफ सिंबल टेबल. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. टू सर्च अ नेम वी यूज अ हैश फंक्शन दैट विल रिजल्ट इन एनी इंटीजर बिटवीन 0 to table size -1. ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है और उसको हम फाइंड करना चाहते हैं कि वो सिंबल टेबल में कहाँ स्टोर है, तो उसके लिए हमें एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी. और जब भी हम उस वेरिएबल पे कोई हैश फंक्शन लगाएंगे तो वो एक हमें यूनिक एड्रेस देगा. तो उस यूनिक एड्रेस, वो जो यूनिक एड्रेस हमारा है, वही हमारा हैश एड्रेस है, और वो हम हैश्ड फंक्शन से फाइंड आउट कर रहे हैं. आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन तीन बहुत जो कॉमन मेथड्स यूज़ होते हैं. डिवीजन मेथड यूज़ होता है, मिड स्क्वायर मेथड यूज़ होता है, फोल्डिंग मेथड यूज़ होता है. फोल्डिंग का एक वेरिएशन है रिवर्स फोल्डिंग मेथड, हम उसको भी यूज़ करते हैं हैश फंक्शन को, मैंने हैश एड्रेसेस को कंप्यूट करने के लिए. इंजर्शन एंड लुकअप कैन बी मेड वेरी फास्ट इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉन्स्टेंट टाइम में ही इंजर्शन हो जाएगा और कॉन्स्टेंट टाइम में ही सर्च ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, लास्ट पॉइंट है एडवांटेज इज क्विक सर्च इजबल एंड द डिसएडवांटेज इज दैट हैशिंग इज कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट. ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड है इम्प्लीमेंट करना. और एक इसका डिसएडवांटेज और भी है कि जो एक टेबल है, अगर आपने 1000 साइज की टेबल आपने यूज़ किया है, तो 1000 टेबल 1000 टेबल
कि जो साइज हमारी 1000 साइज की जो टेबल हमारी, उसमें से कुछ ही एंट्री यूज हो रही होंगी और कुछ एंट्री यूज नहीं हो रही होंगी। तो थोड़ा सा इस यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज का एक डिसएडवांटेज है हैश टेबल से रिलेटेड। लास्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं वो है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री से भी आप हैश टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री बिल्कुल आसान सी चीज़ है जो आपने पढ़ा होगा अगेन डेटा स्ट्रक्चर में, कि अगर हमें न्यूमेरिकल डाटा आइटम स्टोर कर रहे हैं या अल्फाबेटिकल डाटा आइटम स्टोर कर रहे हैं, तो रूट से कम इन्फॉर्मेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा और रूट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको राइट साइड में मिलेगा। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट सब ट्री विल कंटेन लेस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड विल कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन दैन द रूट। ठीक है, सो ये एक ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं हैश टेबल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और यहाँ पे डिसएडवांटेज ये होगा कि एक डाटा आइटम को स्टोर करने के लिए आपको दो एडिशनल फील्ड जिसमें लेफ्ट और राइट का एड्रेस है वो उसको आप यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी का इशू यहाँ पे आएगा, मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। किसी भी डाटा आइटम को इंसर्ट करना हो, चाहे किसी डाटा आइटम को आपको सर्च करना हो, आपको लॉग एन टाइम लगेगा। अगर हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री बन रहा है वो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, फॉर एग्जाम्पल एविल ट्री है या रेड ब्लैक ट्री है, तो उस केस में जो सर्चिंग में जो टाइम लगेगा और जो इंसर्शन में टाइम लगेगा वो लॉग एन लगेगा, क्योंकि लॉग एन ही ट्री की हाइट हो जाती है अगर हमारा बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। अगर हमने कोई बैलेंसिंग स्कीम अप्लाई नहीं की है तो हमारा ट्री स्क्यूड हो जाएगा एक साइड में, चाहे लेफ्ट साइड में स्क्यू हो सकता है या राइट साइड में स्क्यू हो सकता है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी वो लॉग एन से ज़्यादा हो जाएगी उस केस में। तो यूजुअली जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो हम बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लेफ्ट और राइट की तरफ जो इन्फॉर्मेशन है वो बैलेंस्ड होंगी। ठीक है, तो इसमें इंसर्शन में भी लॉग एन टाइम लगेगा क्योंकि हाइट ट्री लॉग एन होगी, और सर्चिंग ऑप में भी मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो लॉग एन लगेगा। ये वर्स्ट केस है। बेस्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि सर्चिंग में आपको डाटा डाटा रूट नोड में मिल जाए, तो उस केस में आप ऑर्डर ऑफ वन टाइम, मतलब कि कांस्टेंट टाइम में आप किसी डाटा आइटम को सर्च कर लेंगे। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने हैश टेबल के बारे में देखा, उसका रोल क्या है हर फेज ऑफ कंपाइलर से रिलेटेड, और हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं जिससे हैश टेबल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सॉरी सिंबल टेबल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स में से सबसे अच्छा जो डाटा स्ट्रक्चर माना जाता है वो हैश टेबल है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में इंजर्शन प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है और कांस्टेंट टाइम में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। जितना इम्पोर्टेंट सर्च है, जितना इम्पोर्टेंट इंजर्शन ऑपरेशन है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सर्च ऑपरेशन है। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो हैश टेबल के अलावा है, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट है या लिंक लिस्ट है, ये सर्चिंग एंड टाइम लगा रहे थे। बाइनरी सर्च ट्री अगर हमने यूज़ किया तो वो लॉग एंड टाइम लगा रहा है। केवल हैश टेबल ऐसा है जो कि कांस्टेंट टाइम में हमें सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रहा है। तो हैश टेबल इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड एज द सिंबल टेबल। थैंक यू।